हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। तो कैसे आप सब लोग? तो गाइस, जून का एग्जामिनेशन आने वाला है और इस जून के एग्जामिनेशन के लिए सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सर ये पूछते थे कि सर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं तीन पॉइंट्स में कहना चाहता हूँ कि सही सिलेबस को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आपको सही बुक को चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड नेक्स्ट पॉइंट सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली है? तो चलो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे IFS के स्टडी मटेरियल्स का, जिसमें रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और टॉपिक बनाए गए हैं जो आपके टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपके क्वेश्चंस को एक अलग लेवल पे लेकर जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलते हैं। मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप प्रीफर कर सकते हो, CSR, NET है, GATE है, TFR है, SET है, तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए इस ऑर्गेनिक कंसेप्ट चेक को आप यूज़ कर सकते हो। इस ऑर्गेनिक कंसेप्ट चेक में आपको क्या क्या दिया गया है? इस ऑर्गेनिक कंसेप्ट चेक में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक सिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट्स, रीअरेंजमेंट, पेरीसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, ये सारा जो इंडेक्स देख रहे हो इन सब के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और साथ साथ में रेफरेंस बुक से बने हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पे सर PYQ भी दिए गए हैं, जिससे PYQ से आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में यहाँ पे की दी गई है और साथ साथ में देखो यहाँ पे आपको PYQ भी दिए गए, तो आप PYQ से जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस है उनका आप कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको अपनी क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है या अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छी थ्योरी मॉडल चाहिए। तो ये थ्योरी मॉडल्स में आप देखोगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री Volume 1, Volume 2, Volume 3, इन तीनों वॉल्यूम्स के अंदर आप टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो। और ये क्लेडन बुक, कैरथर्स, मेसलर एंड अपने नान से बनाई गई है, जिसमें आपको दिया गया है देखो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री है, बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको दिया गया हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट। वॉल्यूम 2 के अंदर आपको दिया गया है यहाँ पे, तो देखते हैं वॉल्यूम 2 के अंदर आपको प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, साथ साथ में रिएजेंट, देन आपको दिया गया है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। साथ साथ में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिया है नेम रिएक्शंस, ठीक है, और सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर किए गए हैं। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन किया गया है और बहुत सारे टॉपिक के बाद भी क्वेश्चंस दिए गए, जैसे आप जब टॉपिक आप पढ़ लोगे तो साथ में आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसको एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग अपने कॉन्सेप्ट को बना सकते हो, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। Volume 1 की तरफ आएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, तो आपको Volume 1 के अंदर दिया गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक सिटी, साथ साथ में रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट आपको Volume 1 में दिया गया है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे देखो टॉपिक्स है, बड़ा ही आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ईजी करके दी गई है, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ से करो। जैसे आप टॉपिक एंड होता है वैसे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने के लिए दी गई है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चंस भी है और साथ साथ में आप कंसेप्ट चेक से भी क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। ऐसे ही तरीके से हम आ जाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट चेक में क्या क्या दिया गया है देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट चेक के अंदर आपको दिया गया है, चलो पहले इंडेक्स की बात करते हैं। तो इंडेक्स में केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बाय इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, एसिड बेस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सब के क्वेश्चंस PYQ एज वेल एज स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए। जैसे यहाँ पे PYQ दिया गया है पहले सेशन के अंदर, पूरा PYQ दिया गया है, और सेकंड सेशन के अंदर जब जाओगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे गेट के भी क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में TFR के क्वेश्चंस हैं, और आगे आप जैसे आगे जाते हो वैसे आपको रेफरेंस बुक वाले क्वेश्चन यहाँ से आप स्टार्ट हो चुके हैं आपके रेफरेंस बुक, केमिकल बॉन्डिंग में जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मेन ग्रुप के अंदर जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसकी आंसर की आपको मिलने वाली है यहाँ पे, तो पूरी आंसर की है जिसमें आपको कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसमें रेफरेंस बुक के कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन है और उसके आंसर की है, देखो कितने क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में दिए गए, 182 क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा। फिर भी कोऑर्डिनेशन खत्म नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये आप इससे कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब थ्योरी थ्योरी कहाँ से पढ़े? बहुत सारे बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में सर थ्योरी कहाँ से पढ़े, जेम्स हुई थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमने उन्हीं बुक्स को टारगेट करके वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री को बनाया है, जिसमें देखो वॉल्यूम वन के अंदर टॉपिक जो आपको दिए गए हैं, प्रिडिक्सिटी दी गई है, केमिकल बॉन्डिंग आपको दी गई है, एसिड बेस केमिस्ट्री आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ साथ में मेन ग्रुप केमिस्ट्री, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे देखो यहाँ पे दिए गए हैं। तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री दी गई है, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम टू के अंदर, वॉल्यूम टू के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो वॉल्यूम टू के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग हमारा वॉल्यूम टू है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद कर रहे हैं वॉल्यूम टू को। तो वॉल्यूम टू के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिया गया है, कोऑर्डिनेशन भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसमें डिवाइड किया गया है, जैसे रेफरेंस बुक में डिवाइड किया गया था, बट इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज हमको हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद इसी के अंदर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री दी गई है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं और साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी दिए गए। वॉल्यूम थ्री के अंदर आ जाते हैं, वॉल्यूम थ्री में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, चलो देखते हैं इंडेक्स के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। तो इंडेक्स के अंदर आपको इनर ट्रांजिशन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दी गई है, साथ साथ में आप इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी ऑल टॉपिक्स यहाँ से कवर किए गए और बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसमें इसको डिजाइन किया गया है। तो ज़रूर आप इससे अपने शॉर्ट नोट्स को मेक करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कंसेप्ट को जरूर यूज करिए। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इधर आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट चेक, फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट चेक में भी हमने बार की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ONGC है, DRDO है, CSR नेट है, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं इंडेक्स क्या है, इंडेक्स में क्या दिया गया है। तो इंडेक्स में है क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए यहाँ पे और है, और हर टॉपिक के एंड के अंदर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चंस भी है, देखो यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस दिए गए और साथ साथ में एंड के अंदर आपको PYQ दिए गए। तो बहुत अच्छे से इस बुक को भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। अगर आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिजिकल केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो सक्सेस गाइड को यूज़ कर सकते हैं। इस सक्सेस गाइड में नोट्स जैसी हमने फिजिकल केमिस्ट्री को बनाया है जो आप एक ही बार पढ़ने में समझ सकते हो। जैसे वॉल्यूम टू के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे दिए गए, केमिकल काइनेटिक्स दिया गया है, हर टॉपिक को देखो डिवाइड किया गया है सब टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक को सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री दी गई है, पॉलीमर केमिस्ट्री आपको दी गई है, थर्मोडायनेमिक्स आपको दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ केमिकल, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वॉल्यूम टू के अंदर आपको दी गई। वॉल्यूम वन के अंदर क्या दिया गया, चलो वॉल्यूम वन के अंदर आपको दिया गया है, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक वॉल्यूम वन में दिए हैं। क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी, स्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साथ साथ में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस एंड गैसेस स्टेट आपको दिया गया है। तो बहुत देखो यहाँ पे इससे क्वांटम केमिस्ट्री है, तो क्वांटम केमिस्ट्री को पहले टॉपिक कंप्लीट किया गया है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके साथ इसके सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे एकदम उसके साथ में आंसर भी दिए गए हैं और उसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे खत्म नहीं हो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड तो एक बड़ा ही मेजर मार्क, 30 मार्क्स के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी 15% आपके जनरल एप्टीट्यूड में जाते हैं। तो इस 15% को हम कैसे ले सकते हैं, तो 15% को लेने के लिए जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, जिसके अंदर थर्ड एडिशन है हमारी है, और जिसके अंदर आप सारे एग्जामिनेशन कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबरिंग सिस्टम, मिसिंग सीरीज, परसेंटेज है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन इंटरेस्ट, एवरेज एंड स्टैटिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स है बड़े ही इंटरेस्टिंग लेवे में यहाँ पे आपको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो देखो बहुत सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे आपको दिया गया है, और हर टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन है। जब आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ साथ में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ऐसा आप टॉपिक कंप्लीट करो और साथ साथ में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए। तो इसका मतलब यह है कि आप टॉपिक को पढ़ना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, टॉपिक को पढ़ना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इससे ईजी क्या हो सकता है, अगर इस स्टडी मटेरियल को आपको सही अच्छे से यूज़ करते हो तो आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाइड कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि IFS में अभी इन सारे स्टडी मटेरियल्स के ऊपर ऑफ चल रहा है। अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल बुक लेते हो तो आपको 30% ऑफ दिया जा रहा है
इंडिविजुअल बुक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे जा रहे हो ये CSR नेट है, और CSR नेट के ऊपर आप जाओगे केमिकल साइंस में, तो केमिकल साइंस में आप जैसे जा रहे हो तो यहाँ पे CSR नेट दिख रहा है और इंडिविजुअल बुक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बुक्स की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल बुक्स है, तो इस इंडिविजुअल बुक्स पे आपने सिलेक्ट किया है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपको डालना है बुक 30। जैसे आप बुक 30 डालोगे और एंटर करोगे तो जो आपकी बुक 795 की थी वो 557 की हो जाएगी, यानी 30% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कम्बो पैक लेना चाहते हो, कम्बो पैक लेना चाहते हो, तो यहाँ पे कम्बो पैक दिख रहा है आपको 3380, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दिया है बुक 40, बुक 40, जैसे बुक 40 डालते हो और एंटर करते हो तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और ऑब्वियसली आपकी रिज हो जाएगी, ठीक है। अब आप कंप्लीट स्टेट इमरजेंसी की तरफ आते हो, तो जैसे कंप्लीट स्टेट इमरजेंसी में आप जैसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे डालोगे बुक 50, बुक 50, ठीक है, देन एंटर करोगे तो आपका जगह 4500, यानी 50% ऑफ आपको मिल रहा है ऑल फुल सेट के ऊपर। तो इसका बेनिफिट जरूर उठाइए, क्योंकि इतने कम इसमें पैसों के अंदर आपको इतना अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बताई है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको थ्योरीज भी मिल रही है, साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स आपको करने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट जरूर लें। और सेकेंड कि आपको कुछ सजेस्ट करना है कि इस स्टडी मटेरियल में हमने और क्या ऐड करना चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि हम इसमें और क्या अपडेट कर सकते हैं, आपके लिए और क्या इजी हम इसको करें, किसके अंदर और क्वेश्चन ऐड करें, कहाँ पे हम सॉल्यूशन ऐड करें, तो ज़रूर आप इस वीडियो के एंड के अंदर कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग।